तो पहले तो आप ये लोग ये बताइए कि कल हम लोगों ने जो बातचीत की थी वो पूरी समझ में आई या कोई दिक्कत है? किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो बोलिएगा। सबको आया? चलिए ठीक। यस सर। तो आज कुछ नया करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस में ही काम करते हैं लेकिन थोड़ा अलग। तो बच्चों वो अलग क्या है ये देखिएगा। मैं एक ट्यूब बनाता हूं। ट्यूब का मतलब जिसकी सभी साइड बराबर हो और हर एक एंगल 90। अब बनाते समय उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूंगा मैं, तो लॉजिकली समझना है। ये ले लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसे एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में ए मान लेते हैं, वाई एक्सिस में बी, या एक तरफ से ले लो ए बी सी डी ई एफ सी। तो ये ट्यूब है, सवाल बाद में बना लेंगे, पहले समझिए। मान लेते हैं हर एक साइड की जो लेंथ है वो ए है, ठीक हो गया। तो ओरिजिन तो ठीक है, 0 0 0 हुआ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप लोग बता सकते हैं? पॉइंट ए एक्स एक्सिस में है, ए कॉमा जीरो ए कॉमा जीरो ए 0 0 ठीक हो गया। अब ऐसे ही पहले सी को कर लेते हैं, सी वाई एक्सिस में है, जीरो ए जीरो 0 A 0। और ई के बारे में, वो जेड एक्सिस में है, जीरो जीरो ए 0 0 0। चलिए बहुत अच्छी बात है, 3 पॉइंट हो गए। अब बच्चों बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट बी एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन की क्या खास बात थी? Z0 ए एक्स और वाई ए आ जाएंगे और Z0। वेरी गुड, A कॉमा 0। पहले आप ओरिजिन से कैपिटल ए तक चलेंगे और फिर कैपिटल ए से बी तक चलेंगे। पहले हमेशा एक्स एक्सिस में, फिर वाई के पैरेलल, बस आप तब पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर? डी कहां पर है बच्चों? वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड जीरो प्लेन में कॉमा ए ए जीरो जीरो कॉमा कॉमा ए ए ए कॉमा ए ठीक। अब बच्चों एफ के कोऑर्डिनेट बताइएगा। ए जीरो ए कॉमा जीरो ए जीरो नहीं ए सॉरी हाँ ए 0 A। पहले आप एक्स एक्सिस में चलेंगे, ए वाई में चलना नहीं है तो 0। अब जेड के पैरेलल चलेंगे तो एफ तक पहुंच जाएंगे। ओ से ए तक, ए से एफ तक पहुंचना बस। अब एक पॉइंट रह गया कैपिटल जी, वहां तक की यात्रा कहां से होगी? जरा रूट बताइए। ए से बी फिर बी से जी अच्छा, ओ से ए से ए बी। से बी बी से जी हाँ जी, तो फिर ए जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए ए ए ए ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। ये तो हो गए सारे वर्टिसेज। अब मैं क्वेश्चन लिखना पसंद करूंगा। फिर क्वेश्चन ये था, फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स, एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ ट्यूब। ये तो बच्चों सवाल को अगर ध्यान से सोचा जाए तो यहां एक दो बातें आ रही हैं सामने। एक तो ये है कि 3D में डायगोनल किसको माने,
क्या जिसको 2D में डायगोनल मानते थे क्या 3D में भी उसे ही डायगोनल मानना चाहिए या नहीं, पहली बात हम ये समझते हैं। तो इसका जवाब है कि 2D में डायगोनल अलग तरीके से माने जाते हैं, 3D में अलग तरीके से। 2D में सपोज ये स्क्वायर है तो इसके दो डायगोनल हो जाते हैं, सभी लोग जानते हैं इस पर। बच्चों 3D में इसे डायगोनल नहीं माना जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2D में आप जिसको डायगोनल मानते आ रहे हैं उसको डायगोनल नहीं माना जाएगा। अच्छा जी, तो फिर किसे माना जाएगा डायगोनल यहाँ? बच्चों याद रखिएगा, 3D में डायगोनल उसी लाइन को माना जाता है जिसके एंड पॉइंट डिफरेंट प्लेन में हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3D में डायगोनल आप उसी को मानेंगे जिसके एंड पॉइंट्स डिफरेंट प्लेन्स में हो। मतलब O से G तक आपके पास OG लाइन के बारे में सोचिए, जो O है वो तीन प्लेन का इंटरसेक्शन है। आप कमरे में, अपने कमरे में सोचिए, जो O पॉइंट है आपके सामने का जो लेफ्ट साइड का कोना है वो O है मान लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर तीन प्लेन मिलेंगे, एक तो फर्श, एक आपके सामने की दीवार, एक लेफ्ट की दीवार। तीन प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो O बनाने के लिए। क्या मैं समझा पाया? हाँ yes. अच्छा ठीक हो गया। तो O जो है वो तीन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम है। ऐसे G देखिए, तो G ठीक अपोजिट है O के। कैसे? O पर एक फर्श है तो G पर छत है। गौर करिएगा, O पर आपके सामने की दीवार है तो G में आपके पीछे की दीवार होगी एक। O पर आपके लेफ्ट साइड की दीवार है तो G पर एक दीवार राइट साइड की होगी। क्या मैं समझा पाया? रिपीट कर रहा हूं, O में बच्चों देखिए कौन से तीन प्लेन है, एक तो फर्श, एक आपके सामने की दीवार, एक लेफ्ट की दीवार। तो फिर G पर ठीक इसका उल्टा होगा, फर्श की जो G पर छत मिल रही होगी, सामने वाली दीवार के मुकाबले पीछे वाली दीवार मिल रही होगी। एक आप ABFG हो, देखिए ना ABFG, और जो लेफ्ट वाली दीवार है उसके मुकाबले यहां राइट होगी BCDG। तीनों अलग प्लेन है या नहीं? हाँ। अच्छा हाँ। बच्चों ऐसा सोचिए, OG के बाद क्या मैं BE को भी डायगोनल मानू? फिर आप सोचिए, दो आपको BE। हाँ हम मान सकते हैं AD भी हो सकता है सर, FC भी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। AD हो सकता है और CF, FC। हाँ, FC या CF, एक ही बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। अब अपने कमरे को सोचो कि डंडा इधर से उस नीचे कमरे से लगाओगे तो ऊपर छत में, फिर ऊपर से नीचे छत में, ऐसी दूसरी साइड में बस। तो बच्चों 3D में किसी ट्यूब में केवल इन चार लाइनों को डायगोनल माना जाएगा, बस इन चारों को और किसी को नहीं। चार ही है बस, और होना ही नहीं है बाकी। अगर डायगोनल समझ में आ गए कि ये चार ही होंगे, तो अब सवाल पे दोबारा ध्यान देते हैं। मैंने कहा कोई भी दो डायगोनल के बीच का एंगल बताओ, इससे एक चीज समझ में आ रही है। अच्छा, कोई भी दो डायगोनल के बीच एंगल इसका मतलब सेम ही आ रहा होगा, तभी सवाल ऐसा है। तो आप कोई भी दो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? तो इस सवाल में दो बातें समझनी है कि पहले डायगोनल मतलब क्या, कौन सी लाइन है। शायद वो सबको क्लियर होगा, अगर वो वाला स्टेप डाउटफुल है तो निश्चित तौर पर पूछिए दोबारा, और क्लियर है तो फिर एंगल वेंगल कुछ बचा नहीं है, वो तो बहुत बेसिक बात है।
बच्चों ये चार ही डायगोनल होंगे इस बात पे सभी लोग कंफर्म है ना, कोई डाउट तो नहीं है अब? नो सर। अच्छा चलो ठीक है। तो यार एक बात बताओ, ओके कोऑर्डिनेट तो सबको पता ही है, जीरो 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 है और जी जे, मैं ये लिख रहा हूं आर ओनली फोर डायगोनल्स, फोर डायगोनल्स। अच्छा भाई अब बताओ नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओजी आर क्या होंगे बच्चों? ओजी ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, दैट इज वन वन, ठीक है। तो वाई वन 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 ए ए ए क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात, ए ए ए को वन 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 कह सकते हैं। अच्छा कॉमन निकाल दो। हाँ रेशियो है ना बेटा, ए से डिवाइड कर दो। ओके सर। हाँ मैं जानबूझ के किया, ठीक है। अब बच्चों ये बताइए दूसरा क्या था, बी। अच्छा पहले इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओजी विल बी, बताओ यार, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक हो गया। अब बीई, बीई के डायरेक्शन रेशियो बताओ भाई। बीई सेम ही होंगे, वन बस माइनस का डिफरेंस आएगा, वन वन माइनस वन, मतलब उसके अगर हम डीआर निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे अगर हम बीई के। हाँ, चलो बीई चल लेते हैं, आर ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, जीरो माइनस ए, उसके बाद लिखना दैट इज वन वन माइनस वन। सो बेसिस ऑफ बीई विल बी वन बाई रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, माइनस वन बाई रूट थ्री, ऐसे आप बाकी दो के भी निकालोगे ना, तो ये माइनस एक बार बीच में आ जाएगा, एक बार शुरू वाले में आ जाएगा, आप देख लीजिए। तीसरा क्या था, एडी, जब एडी निकालोगे बच्चों तो माइनस ए ए ए आ जाएगा ना एडी में, और सीएफ में भी बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ yes, yes, उस मतलब आप कोई भी, अब कोई भी दो के बीच एंगल निकाल लो, मैं इन्हीं दो के बीच निकाल लेता हूं फिर। नाउ एंगल बिटवीन, दो लाइनें हैं उनके डायरेक्शन कोसाइन पता है आपको, एंगल बिटवीन ओजी एंड बीई विल बी, मान लो थीटा है तो क्रॉस थीटा इक्वल टू, बताओ बच्चों, एल वन एल टू, वन बाय थ्री प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई थ्री, ये आंसर है। आप चारों निकाल के कोई भी दो के भी निकालो, यही आना है, आप कर लीजिएगा। एक बार बीच में माइनस आएगा, एक बार सबसे पहले माइनस आएगा, क्या फर्क पड़ना है उससे। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, इसमें खास बात क्या थी, इस सवाल में खास बात यह है बच्चों कि जो कोई भी दो डायगोनल के बीच का एंगल है वो साइड की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। साइड की लेंथ आपने ए मानी थी, लेकिन ए तो है ही नहीं आंसर में। इसका मतलब है आप दुनिया में कितना ही छोटा ट्यूब बनाए या दुनिया में कितना ही बड़ा ट्यूब बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके डायगोनल के बीच का एंगल हमेशा कॉस इनवर्स वन बाई थ्री ही होता है, बस। क्या मैं समझा पाया? तो ये बहुत स्टैंडर्ड आंसर है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मैं कई एग्जाम में इसको लिख चुका हूं डायरेक्टली, ये तो याद ही हो जाता है वैसे भी।
और नहीं भी होता है तो वो समझ में आया था टू से नहीं इसमें। तो हमने इसमें यही महत्वपूर्ण बात सीखी कि किसी भी ट्यूब के डायगोनल से बीच का जो एंगल होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब वो साइड पे डिपेंड ही नहीं करता कितना बड़ा ट्यूब है, कोई मतलब नहीं। तो एट थी ये सी थी, एट हमने सीखा डायगोनल किनको मानते हैं इसमें, और फिर ये कि ट्यूब के कोई भी दो डायगोनल लीजिए उनके बीच का एंगल भी फिक्स ही है, कोई भी दो। मैंने तो जो सबसे पहले दो निकाले उन्हीं में निकाल दिया, आपकी मेहनत है आप जितना करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ बताना है इसमें भी आप? चलो ठीक है यार, लेकिन अगर ट्यूब ना हो तो ट्यूब की जो हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड या फिर एक शब्द और आता है उस चीज में, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, टू डी में इसके साथ ये था में क्या शब्द होता था, पैरेलोग्राम। थ्री डी में क्या होगा, रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर कह दोगे तो यहाँ पर भी अगर रेक्टेंगुलर बोल देंगे तो हर एक एंगल 90 हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल ही हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्यूबॉइड हो जाएगा, बस इतना है। तो हम लोग अब सर 2D में भी हर स्क्वायर के बीच डायगोनल इक्वली होता है ना, स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच का एंगल। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द एजेस of a rectangular parallelepiped are ABC, are small ABC, then prove that the angles between the four diagonals are given by cross inverse a square plus minus b square plus minus c square upon a square plus b square plus c square। अगर आप, बड़ा जोरदार सवाल है देखो यार, अगर आप ट्यूब हटा के ट्यूबॉइड ले आते हैं तो कहानी बदल जा रही है। अब तो ऐसा हो जाएगा, तो चलिए इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। आसान है सवाल, अब पिछला ऑर्डर जिस बच्चे को आ गया उसके लिए कुछ नहीं है, ऐसा ही बनाइए, लेकिन इस बार साइड अलग अलग लंबाई की है, ए बी सी कहा गया है। एक जैसा भी बनाओगे तो ए बी सी मान लेना, ये ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए,
बी सी डी ई एफ और सी। अब इस बार जो साइड है वो स्मॉल एबीसी दे रखी है, ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में ए मान लेते हैं, वाई में बी, जेड में सी। तो भाई अब बताओ कैपिटल ए जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए जीरो जीरो, अगर हम इस को ए मानते हैं तो। और सी के जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, हाँ ठीक है, और ई के जीरो कॉमा सी, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट, बी एक्स वाई प्लेन में है, ए कॉमा बी कॉमा जीरो, ए कॉमा बी कॉमा जीरो, बहुत बढ़िया बच्चों। अब डी के कोऑर्डिनेट बताओ यार, जीरो कॉमा बी सी। बच्चों आपको भी ना कभी किसी को बताना हो ऐसे ही समझाइए, पहले तीनों एक्सिस में ए बी ए ई और ने ए सी और ये हो गए, अब बी डी और एफ बता रहा हूं मैं प्लेन में, तो समझने वाले के लिए चीजें आसान हो जाती है। एफ यस कॉमा जीरो सी और लास्ट जी ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी, बहुत बढ़िया। बाकी ओ नहीं भी लिखना चलेगा, लिखने का शौक है तो लिख लेना यार। तो भाई डायगोनल तो अभी भी वही रहेंगे ना? यस सर। डायगोनल्स आर कौन कौन से? ओजी, बीई, हाँ, सीएफ और एडी। हाँ, ये तो फिर अब ओजी के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओजी आर जी के कोऑर्डिनेट में से ओ के कोऑर्डिनेट घटाओ भाई, इस बार कुछ नहीं हो पाएगा, सिंप्लीफिकेशन तो ये ऐसी रेट है। एबीसी, हेलो मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सर अब आ रही है, बीच में कट गई थी। अरे एक फोन आ गया जो ही मोबाइल के वैसे हॉटस्पॉट चल रहा है ना, तब होता है वो थोड़ा सा। अच्छा तो मैं कह रहा था कि ओजी के डायरेक्शन रेशियो एबीसी ही रहेंगे फिर इस बार। डायरेक्शन कोसाइन ओजी यार ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ यार इतना तो नहीं लिखूंगा मैं, रूट सिग्मा ए स्क्वायर बी अपॉन रूट सिग्मा ए स्क्वायर सी अपॉन रूट सिग्मा ए स्क्वायर, जगह बचाने का तरीका भी है, मेहनत भी। तो भाई ओजी के डीसी तो पता लग गए, बीई के बताइए प्लीज। दो माइनस लेने से अच्छा है इधर से उधर को कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो डायरेक्शन कोसाइन डीसी ए अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर रूट सिग्मा ए स्क्वायर बी अपॉन रूट सिग्मा माइनस रूट सिग्मा ए स्क्वायर, ऐसे फिर यार एडी के बता दो भाई कॉमन सेंस से, डायरेक्शन कोसाइन आप पूरा लिखना, मैं तो खाली एरो लगा के काम चला रहा हूँ। एडी एडी के भी ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, तो एंगल तो वैसे दो से भी निकल जाएगा ना, लेकिन यार दो डायगोनल से निकल जाएगा कोई भी दो से। ओके ओके सी एफ के डीसी बता दीजिए प्लीज।
ए माइनस बी सी। तो नीचे तो सब में एक ही चीज आ रही है फिर। यस सर। तो मैंने इस बार जानबूझ के चारों निकाल दिए, कहीं आप लोग ना सोचे हर बार मैं दो से ही काम चला रहा हूं, इसलिए कर दिया मैंने। अब आप देखो ना, पहले में तो सभी टर्म पॉजिटिव आई, बाकी तीन में बारी बारी से कभी कोई माइनस हो गया, कभी कोई माइनस हो गया। अच्छा, एंगल बिटवीन कोई भी दो के बीच निकालो। पहले वही निकाल लेते हैं, ओजी एंड बीई। कॉस थीटा इक्वल टू ओजी बीई, करो तो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट हट जाएगा सब में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। प्लीज एकदम मत लिखिए, पेन चलाइए तब आप मानिए ऐसा हो रहा है या नहीं। मैं इंतजार करता हूँ आपकी कैलकुलेशन का। था आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई और ट्राई करें इसके अलावा, जैसे बीई एडी, बीई सी एफ, एडी सी एफ, कोई एक आध और ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। सब माइनस साइन ऊपर चेंज होता जाएगा, नीचे में सब में सेम ही रहेगा पॉजिटिव, माइनस चेंज होता जाएगा। जैसे एडी 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 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस ए में आ जाएगा, सी एफ के साथ करेंगे तो माइनस बी में आ जाएगा। बात तो सही है। तो अब आप लोग बताइए ना, अगर इन सारे एंगल्स को एक साथ, आप सारे एंगल्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, कभी कहीं पर माइनस आ रहा है, कभी कहीं पर माइनस आ रहा है, किसी में ये आएगा, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे तो एट ही आएगा सब में, कभी यहां पर माइनस, मतलब अलग अलग जगहों पर। तो सबको कंबाइन करें तो क्या वही आना चाहिए जो पूछा गया है? यस सर। बस सर, जो क्वेश्चन में ए स्क्वायर के सामने भी प्लस माइनस आएगा नहीं, तो हमारे तो आ रहा है नहीं। ओके, आ रहा है उसको मत लिखिए, वैसे लिख देते हैं लोग, लिख लीजिएगा उसकी वजह है। अगर तीनों में प्लस साइन लेते हैं तो तीनों में प्लस साइन का मतलब हो जाता है ऊपर भी तीनों में प्लस, नीचे भी तीनों में प्लस, तो वन आ जाएगा। और तीनों में जिस समय माइनस लेंगे तो माइनस वन, वन आने पर एंगल जीरो आ जाएगा। हाँ। और दो डायगोनल के बीच जीरो नहीं हो सकता, तो पैरेलल लाइनें हो जाएंगी ना। और माइनस वन में भी वही है 180 डिग्री, तो हम वो दो एक्सट्रीम सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। बाकी इतना डिमांड कोई नहीं भी लगाना चाहिए तो कुछ नहीं करना है, उसने दो निकाले और सिमिलरली कंबाइन इन ऑल रिजल्ट सीधे लिखो, हो गया। तो एग्जाम निकालना अलग बात है, लेकिन उसको समझना भी चाहिए कि क्या मैं दोनों चीजें करवा पाया हूं। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक हो गया। तो अब एक दो सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट करवाने हैं मुझे, डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइंस पर ही, लेकिन इसका शेड्यूल तो पूरा हो चुका है लगभग, अब 8 मिनट बचे हैं, इतने में नहीं हो पाएगा। ऐसा करता हूँ, क्लास को ब्रेक करता हूँ और 6:10 पे दोबारा जुड़ते हैं बच्चों, तो 8 सेशन और लेते हैं, थोड़ा सा डायगोनल्स पे और काम करते हैं। थैंक यू।